पिछले 5 सालों में प्रदेश में बालिका शिक्षा के स्तर में काफी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की स्कूटी वितरण योजना के तहत 15,400 से ज्यादा मेधावी बेटियों को स्कूटी की सौगात मिली है। पेश है रिपोर्ट। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खास योजनाएं बनाई है। इन्हीं योजनाओं में से एक है स्कूटी वितरण योजना, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्कूटी की सौगात दी है, जिससे न केवल मेधावी छात्राओं का सम्मान तो हुआ ही है, साथ ही प्रदेश की लाखों छात्राओं को मिल रही है बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस महती योजना के तहत अभी तक 15,750 मेधावी छात्रों को निःशुल्क स्कूटी से सम्मानित किया गया। हमारे गाँव में 7 से 8 बच्चियों को स्कूटी मिली है मेधावी योजना के तहत। कहते हैं, बेटा पढ़ता है तो परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन जब बेटी पढ़ती है तो एक नहीं बल्कि 2 परिवार आगे बढ़ते हैं। बालिका शिक्षा के इसी महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस महती योजना का आगाज किया था, ताकि बेटी न केवल स्कूल जाए बल्कि अपनी शिक्षा पूरी करे और स्कूटी पाकर उच्च शिक्षा की ओर रखे अपने कदम। इसी योजना के कारण आज बेटियों के बीच अव्वल आने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है, और बालिका शिक्षा की दिशा में प्रदेश सरकार के गंभीर प्रयासों का ही नतीजा है कि आज प्रदेश में न केवल बालिका शिक्षा का स्तर बढ़ा है बल्कि आज बेटियां बेटों से भी बेहतर अंक लाकर अपने परिजनों का मान बढ़ा रही हैं। प्रदेश में बालिका शिक्षा परवान चढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, अपने सपने साकार कर रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस अहम योजना से प्रदेश की बेटियां तो पढ़ ही रही हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ी का भी बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। योजना से प्रोत्साहित परिजन अब न केवल अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं बल्कि उन्हें अव्वल आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब बेटियां बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हैं और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार जता रही हैं।